नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि किसी को खुश करने के लिए अपना मन मारने के क्या नुकसान होते हैं पारलौकिक दुनिया में जाने के बाद। जीते जी हमारे जीवन में ऐसे ऐसे पल आते हैं कि हम अपने आप को भूल के दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। कभी किसी का प्यार पाने के लिए किसी को खुश करते हैं, कभी सम्मान पाने के लिए, कभी दोस्ती पाने के लिए, कभी अपनापन पाने के लिए। जो हम खुद हैं उसको बदलने की कोशिश करते हैं और दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला बचपन से ही शुरू हो जाता है कि हम स्कूल में हैं, दोस्तों का साथ चाहिए तो उनके जैसा बिहेव करना होगा, उनके जैसा बनना होगा। जैसे हम खुद हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी हॉबीज़ हैं, उनको छोड़ना होगा क्योंकि उनके हिसाब से वो हॉबीज़ बेकार हैं, हमारे हिसाब से वो अच्छी हैं। पर क्योंकि हमें उनके साथ रहना है तो हमें उन्हें छोड़ना होगा, और यही हम करते हैं। यही धीरे धीरे बल्कि कॉलेज लेवल पे हो जाता है, फिर नौकरी में हो जाता है, फिर जब शादी ब्याह की बात आती है तो शादी होने के बाद आप अपने मन की इच्छाओं को मारते हो। यहाँ तक कि लोग अपने खाने की आदतें बदल लेते हैं, क्या चीज़ें उन्हें पसंद हैं वो बदल लेते हैं, अपने पसंद का रंग बदल लेते हैं, अगर उन्हें कहीं भी घूमने का मन है तो वो बदल लेते हैं, अपनी वो हर चीज़ बदल लेते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सामने वाले को खुशी नहीं मिल रही उन सब चीज़ों से जिससे हमें खुशी मिल रही है। तो सामने वाले को क्योंकि खुशी देनी है तो इसलिए हम उसी के हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। जो संगीत उसको पसंद है वो हम ज़बरदस्ती खुद पसंद करने लगते हैं, जो खाना हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो उसको पसंद है। जो भी हो, हम अपने आप को बदलते चले जाते हैं सिर्फ दूसरों को वो खुशी देने के लिए, जो खुशी शायद हमें मिल सकती थी अगर हम खुद की भावनाओं की कदर करते, खुद की आत्मा की आवाज़ को सुनते। अब जीते जी तो ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं सोसाइटी के ऑब्लिगेशंस के लिए, खोखले रिश्तों को निभाने के लिए, कुछ भी, चाहे हमारा एक इसमें पर्सनल फैक्टर कह लो, चाहे हमारा मतलब कह लो, चाहे हमारा एक सबको साथ लेके चलने का एक मोटिव कह लो, चाहे एडजस्टमेंट कह लो, कुछ भी कह लो। पर जब हम अपनी पूरी ये लाइफ इस भौतिक शरीर में काट देते हैं अपनी इच्छाओं को मार मार के, तो हमारी आत्मिक तृप्ति जो होनी थी वो नहीं होती। ऐसा ना होने की वजह से जब हमारी आत्मा प्रेत योनि में जाती है तो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती है, बहुत ज़्यादा तड़पती है, क्योंकि उसको ये चीज़ पता लग जाती है कि जो भौतिक शरीर के साथ वो अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर सकता था या कर सकती थी वो उसने नहीं की। किसी का मन था संगीत सीखने का, नहीं सीखा। किसी का मन था नाचना सीखने का, डांस सीखने का, नहीं था हो पाया क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता, घर वालों को अच्छा नहीं लगता। किसी का मन था मुझे ये सब चीज़ें खानी हैं, मुझे मीठा बहुत पसंद है, पर नहीं खाने को मिला क्योंकि अपने आप को शेप में भी रखना है, स्पाउस पसंद नहीं करेगा अगर थोड़ा सा भी वेट बढ़ गया तो। किसी को पसंद था घूमना, कभी घूमे ही नहीं, ज़िंदगी भर घर में कैद रहे। किसी को कुछ, किसी को कुछ। पर ये जो आत्मा में दबी हुई इच्छाएं हैं ना, ये प्रेत योनि में जाने के बाद एक विकराल रूप ले लेती हैं। आत्मा यूं तड़पने लगती है कि मेरे पास शरीर नहीं है और मैंने एक अच्छे दिन की, एक अच्छी ज़िंदगी की कामना करते हुए अपनी उन इच्छाओं को दबाया और मुझे मिला क्या? पूरी ज़िंदगी मैंने ऐसे बिताई कि जैसे मैं ही नहीं हूँ, कोई और ही जी रहा है, किसी और के लिए ही जीना यूं कह लो सीख लिया, किसी और की इच्छाओं को पूरा किया, किसी और की खुशियों को पूरा किया खुद को मार के। और अब प्रेत योनि में आने के बाद जब वही इच्छाएं पूरी नहीं होती और याद आती है उन पलों की, जब हमारे पास शरीर था, क्या कुछ नहीं हम उस शरीर से कर सकते थे? संभोग का आनंद ले सकते थे, अच्छे भोजन का आनंद ले सकते थे, मधुर संगीत सुन सकते थे, गाने गा सकते थे, नाच सकते थे, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे जो हमारे को खुशी देता, पर हमने नहीं किया। और अब हमारे पास शरीर नहीं है और वो एंडलेस इंतज़ार है एक राह का, एक नए कल का, जो पता नहीं कब आएगा। क्योंकि हमारी इस भौतिक दुनिया में तो हम रोज़ अगला दिन देख रहे हैं, नए चेंजेस हमारी लाइफ में हो रहे हैं, नए लोगों से हम मिल रहे हैं, हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। पर प्रेत योनि के वासी हो जाने के बाद, प्रेत योनि में चले जाने के बाद आत्मा पास्ट में जीती है, वही पास्ट उसको हॉन्ट करता है। इस भौतिक दुनिया में तो आप चाहे चलो आज की रोज़ के सरप्राइजेज, रोज़ की नई नई चुनौतियाँ, रोज़ के नए नए इंसेंटिव्स, अपॉर्चुनिटीज़ हमें विवश कर देती हैं कि हम पास्ट को याद नहीं करते, आगे बढ़ चलते हैं।
बहुत ही कोई वीक मोमेंट्स होंगी तब हम पास्ट को याद करेंगे, अदरवाइज नहीं। और अभी तक हम इतने सालों में क्या कुछ करते आ रहे हैं हमें एग्जैक्टली सारी चीज़ें याद भी नहीं होंगी, पर प्रेत योनि में जाने के बाद वही पास्ट एक फ्यूचर के तौर पे दिखाई देता रहता है कि ये सब चीज़ें तुमने करी। तब आत्मा और भी ज़्यादा तड़पती है, और भी ज़्यादा व्याकुल होती है। ऐसी स्टेट में आने के बाद ही फिर आत्मा ये डिसाइड करती है कि जो मैंने कुछ खोया या जो कुछ तृप्तियाँ मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, अब हम करेंगे। अब हम शरीर भी चूज़ करेंगे, उसको ख़राब भी करेंगे, अपनी तृप्तियों को भी पूरा करेंगे, चाहे भोजन की, चाहे संभोग की, हर चीज़ की। प्रेत रोगियों के केसेस में यही सबसे कमाल की चीज़ मैंने देखी है कि हर प्रेत रोगी में एक अलग ही क्वालिटी होती है, एक अलग ही विशेषता होती है। जिस तरीके की आत्मा उसके अंदर वास करती है, वो अपनी क्वालिटीज़, अपनी इच्छाओं को शरीर पर थोपने की कोशिश करती है। भोजन की चाहतें बदल जाती हैं, संगीत सुनना किसी को पसंद है, किसी को नहीं, किसी को बहुत शोर शराबा पसंद है, किसी को शांति चाहिए। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहाँ पे प्रेत रोगी मेकअप करना शुरू कर देती है, उसको मेकअप बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि वो इच्छा वो पूरी नहीं कर पाई। ये प्रकरण धीरे धीरे वो वही अनुभूतियाँ होती हैं, वही इच्छाएँ होती हैं जो ज़बरदस्ती फिर वो उस नए शरीर पर थोप के पूरा करने की कोशिश करते हैं, पर तब भी उनको वो आत्मिक संतुष्टि प्रदान नहीं होती। क्योंकि जो आत्मिक संतुष्टि आपको अपने शरीर में रहते हुए प्रदान होगी, किसी भी चीज़ का लुत्फ़ उठाने में, किसी भी भौतिक चीज़ का आनंद लेने में, वो बिना शरीर के किसी और के शरीर पर कब्ज़ा करने के बाद भी कम्प्लीटली प्रदान नहीं होती। क्योंकि पराई चीज़ पराई होती है। अगर आप किसी का उतरन भी पहन लो, आप इमेजिन करो आप किसी यार दोस्त के कपड़े भी अगर पहनते हो, तो आपको एक अजीब सा एहसास होता है, एक अपनापन सा नहीं लगता, थोड़ी बहुत अनकम्फर्टेबलनेस सी रहती है। जैसी अनकम्फर्टेबलनेस हमें किसी के घर पे बहुत देर रुकने पे रहती है, हमें होता है यार अब बस घर जाना है, या आपने किसी के कपड़े पहने हुए हैं तो आपको एक अलग ही ऊपरापन सा लगा ही रहता है कि भाई उतार के देने अपने पहनने। सेम वैसा ही ऊपरापन, वैसा ही उतरन जैसा एहसास इन प्रेतात्माओं को भी होता है जब भी किसी के शरीर पर होती है। पर क्योंकि ये विवश होती हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम हो चुकी होती हैं, और एक फ्रस्ट्रेशन होती है दिमाग में कि फ्रस्ट्रेशन होती है आत्मा में कि हम इन सब अनुभूतियों को पूरा नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे। तो जब हमारे साथ ये सब हुआ तो फिर हम भी दूसरे के साथ करेंगे, हमें कौन रोक रहा है। मेन सारी कन्वर्जेशन का यही निकलता है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करो अपने मन में। ये नहीं है कि आप उल्ट सलूल नई नई इच्छाएं पालते चले जाओ और उनको पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करते चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा। पर ऐसी इच्छाएं जो आपकी आत्मा बोलती है आपसे, जो बिना बोले अपने आप आपके मन में वो चीज़ें उत्पन्न होती हैं। सपोज़ आपका मन करता है संगीत सुनने का, सपोज़ आपका मन करता है डांस करने का, और आपने वो इच्छा दबा रखी है, पर आपका बहुत मन करता है। ये इच्छा लालच से परे है, मतलबी पने से परे है। ये होती हैं प्योर इच्छाएं, सात्विक इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रही, जो मतलब से परे होती हैं, सेल्फिशनेस से दूर होती हैं। आपका मन कर रहा है कि आज मैंने चाट खानी है, और आप मन को मारे जा रहे हो, आपकी आत्मा व्याकुल हो रही है और आप उसको और भी ज़्यादा सप्रेस कर रहे हो। कई लोग होते हैं कि एनलाइटमेंट के चक्कर में अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी डाइट कर लेते हैं कि सब कुछ बंद कर देते हैं, पर अंदरूनी तौर पे उनकी आत्मा तड़पती रहती है उस भोजन को खाने के लिए। कई लोग अन्न का कंप्लीट त्याग कर देते हैं कि हमने तो सिर्फ फल ही खाना है, पर आत्मा तड़प रही होती है उस रोटी के परांठे के स्वाद को चखने के लिए, और एंड टाइम तक वो अपनी आत्मा को तड़पाते रहते हैं सप्रेस करके अपनी उस इच्छा को। और बाद में जब वो प्रेत योनि में पहुँचते हैं तो वही लोगों पर सवार होकर 10 परांठे खा जाते हैं। तो अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, वो इच्छाएं जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रही, जो आपको आत्मिक संतुष्टि देती हैं, वो पूरी ज़रूर करो। क्योंकि प्रेत योनि में वो इच्छाएं आपको बहुत ज़्यादा व्याकुल कर देंगी, और अगर आपका अगला जन्म भी हो गया तो भी आपकी आत्मा एक अनइजीनेस वाले मोड में रहेगी कि मेरी चीज़ें, मेरी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, और फिर उस नई जर्नी में भी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेगी। तो इस जीवन काल में उन इच्छाओं को ज़रूर पहचानो जो आपके मन से निकलती हैं, जो जिसमें आप किसी का कुछ बिगाड़ नहीं रहे, और आप वो छोटी छोटी खुशियाँ, वो छोटी छोटी इच्छाएं जो बहुत बचकानी भी अगर आपको लगे एक, पर वो आपको संतुष्टि, एक अजीब ही सुकून देती हैं। सपोज़ किसी को बहुत मन करता है कि वो दिन में थोड़ी सी देर सोए, और वो इच्छा उसकी पूरी नहीं हो रही है,
रोज़ वो सोचता है मैं थोड़ी देर सोऊं या मैं ये पर्टिकुलर आराम से लेटूं यहाँ पे इस जगह पे लेटूं सोफे पे, वो इच्छा मन में दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, दबाए जा रहा है, बंदा व्याकुल हो जा रहा है। ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं जो आपके मन में कूदती रहती हैं पर आप उनको दबाते हो, जिनसे किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उन इच्छाओं को ज़रूर पूरा करें। और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी यही कहूँगा, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, एक दूसरे की इन छोटी छोटी इच्छाओं को समझें, क्योंकि ये दिखती साधारण है कि पर इनके इम्पैक्ट बहुत डीप होते हैं आत्मा की कॉन्शियस में। जितना ज़्यादा आप अपनी आत्मा को सुकून दोगे, जितना उसको तृप्ति दोगे, उतना आप खुश रह सकोगे, उतना आप औरों को खुश कर सकोगे। और जितना आप अपनी आत्मा को डिप्राइव करोगे, उतना ज़्यादा आप परेशान रहोगे, व्याकुल रहोगे, इरिटेटेड रहोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पर गौर करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, कोई भी भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, तो आप मुझसे पेड कॉल कंसल्टेशन बुक कीजिए। मोबाइल नंबर 8130331007 पे आप इस पर मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के चार्जेस पे करने के बाद अपने केस के विषय में, और मैं उसमें आपको रेमेडीज़ भी बताऊँगा आपके केस से जुड़ी हुई। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं जो ईमेल के थ्रू आपके पास आएगी, जिसमें आप अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं। अगर शादी नहीं हो रही है, काम नहीं चल रहा है, या सही करियर चूज़ करना है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे जिसमें से आप चूज़ कर सकोगे। उसमें आपको रिकमेंडेशंस भी होंगी कि क्या क्या उपाय आपने करने हैं। ये उपाय आपके पूरी लाइफ टाइम के होंगे और आपको इन्हें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करना होगा। ये किसी दशा पे बेस्ड नहीं होंगे कि पर्टिकुलर दशा आती है तो ही करने हैं, ऐसा नहीं है। या आप एक बार अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लोगे तो ये उपाय आपको हमेशा फ़ायदा देंगे। सभी कामों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, धुनी के लिए भी, कवच के लिए भी। मैं हूँ आपका दोस्त प्रकट मोहन संगला।